केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। कल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ और आज बीजेपी दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब मांग ये है कि एक्साइज पॉलिसी वाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा के साथ बैजयंत पांडा, रामवीर सिंह भिदौड़ी, ये तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त दिल्ली के आईटीओ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के वर्कर्स नारा लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अहम बात यह है कि कल मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए, राहत की उम्मीद थी उनको सुप्रीम कोर्ट से, और जब राहत नहीं मिली तो फिर मनीष सिसोदिया के साथ साथ दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया। हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा से हम बात करें और इसके साथ साथ बैजयंत पांडा से भी एक बयान ले कि आखिरकार रेजिग्नेशन के बाद भी क्यों अब अरविंद केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वीरेंद्र जी, सवाल ये है कि दो मंत्रियों का इस्तीफा आप मांग रहे थे, दोनों का इस्तीफा हो गया है, अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा की मांग क्यों? देखिए, ये दो मंत्री का इस्तीफा हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, दिल्ली की जनता की विजय है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जिस नैतिकता की बात करते हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते रहते उस मंत्रिमंडल के 6 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। संदीप सिंह राशन कार्ड में गए, जितेंद्र तोमर जिसकी अरविंद केजरीवाल गारंटी लेते थे कि इनके कागज मैंने चेक किए हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। असीम अहमद खान भ्रष्टाचार में गए, राजेंद्र पाल गौतम देवी देवताओं पर टिप्पणी में गए, और ये दोनों भी भ्रष्टाचार में गए। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनके 6-6 मंत्री पिछले 8 साल में इस्तीफा दे रहे हैं, उनको रहने का कोई अधिकार है? ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वो कहेंगे कि 2025 तक का मैंडेट दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया। दिल्ली की जनता ने सेवा करने का मैंडेट दिया था, भ्रष्टाचार और काली दलाली के पैसे कमाने का मैंडेट नहीं दिया था। तो साफ तौर पे बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। मांग यही है कि अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए।